गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम लेसन 8 द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग। आज हम लिखने की कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे। द अर्ली मैन हैड नो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। आदि मानव के पास कोई भी भाषा नहीं थी अपनी बात को समझाने के लिए। ही यूज टू पास ऑन हिज थॉट थ्रू साउंड सिंबल्स। वो अपने विचार दूसरे से प्रकट करने के लिए ध्वनि प्रतीक से करता था। एज द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड, और उस समय लिखने की कला भी का विकास नहीं हुआ था। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड ड्राइंग सम पिक्चर्स ऑन वॉल्स ऑफ केव्स। गुफाओं की दीवारों पर उन्हें कुछ पिक्चर बनाना शुरू किया। कम्युनिकेशन टेक्निक्स डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कम संचार जो है, संचार का विकास जो था विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज द्वारा हुआ। मैन स्टार्टेड पासिंग हिज नॉलेज ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आदमी जो था अपनी ज्ञान को दूसरों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल मौखिक रूप से पहुंचाता था। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मेमोरीज ऑल द नॉलेज। लेकिन ये बहुत असंभव था सारा ज्ञान याद रखना। एंड इंफॉर्मेशन, सूचना को याद रखना और नॉलेज को ध्यान रखना बहुत मुश्किल था। सो ही फेल्ट द नीड ऑफ कीपिंग दीज इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। सो उसने फील किया, अनुभव किया कि ये इंफॉर्मेशन, सूचना और मेमोरीज इन रिटन फॉर्म की लिखित रूप में की जाए। हेंस द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज बॉर्न। तब जो है राइटिंग यानी कि लिखने की कला का विकास हुआ। द स्टोरी ऑफ पेपर। सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो बेबलोनियंस एंड असीरियंस यूज क्ले टैबलेट फॉर राइटिंग। राइटिंग वर इंस्क्राइब्ड ऑन वेट क्ले टैबलेट विद ए शार्प पॉइंटेड रॉड। देन दीज टैबलेट्स वर बेक्ड टू प्रिजर्व दीज राइटिंग। कि कई हजार साल पहले बेबलोनियंस और असीरियन जो थे लिखने के लिए चिकनी मिट्टी की पट्टियों का प्रयोग करते थे, और गीली मिट्टी की पट्टियों पर तीखी नुकीली छड़ी से लिखावट को क्या करता था, उकेरा जाता था। तब इन पट्टियों को लिखावट की सुरक्षित रखने के लिए इन पट्टियों को पकाया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। मुद्रण कला का विकास। अर्लियर व्हेन द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड। पहले जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, पीपल यूज टू राइट बुक्स पेनस्टेकिंगली बाय हैंड। तो लोग जो थे किताबें परिश्रम युक्त अपने हाथों के द्वारा लिखा करते थे। दीज बुक्स वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और ये बुक्स लिखना, ये बुक्स वर कॉल्ड हस्तलिपि कहलाती थी। इट वॉज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया थी। एज ए रिजल्ट ये था, बुक्स वर फ्यू इन नंबर। और बुक्स जो थी, किताबें थी, बहुत ही कम थी एंड क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो, और साथ में बहुत महंगी भी थी। वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू बाय दीज कॉस्टली बुक्स। बहुत ही कम लोग थे जो कि इस महंगी बुक खरीदने के लिए तैयार थे, योग्य थे। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना अराउंड 500 CE। मुद्रण कला का विकास चाइना में लगभग 500 CE में हुआ। द चाइनीज यूज टू कार्वर्ड एंड पिक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ वुड। द ब्लॉक्स वर देन इंक एंड प्रिंटेड ऑन पेपर। हाउएवर दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर ड्यू टू द डिफिकल्ट प्रोसेस। चीनी शब्दों चित्रों को लकड़ी के गुटकों पर उकेरते थे, फिर इन गुटकों पर शाही लगाकर पेपर पर छपाई कर दी जाती थी। लेकिन इस कठिन प्रक्रिया के कारण जो है, बहुत कठिन जो प्रक्रिया के कारण इस प्रकार की छपाई जो थी ज्यादा सफल नहीं हुई। द स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। अंधों के लिए लिपि। इन 1829 लुइस ब्रेल ए फ्रेंच डेवलप्ड ए स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड। 1829 ईस्वी में लुइस ब्रेल ने
अंधों के लिए ये लिपि का विकास किया। ही हिमसेल्फ वाज ए ब्लाइंड, वो स्वयं अंधे थे। दिस स्क्रिप्ट इज नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट ये लिपि ब्रेल लिपि कहलाई। इन दिस स्क्रिप्ट द लेटर आर इनग्रेव्ड एंड रेज्ड ऑन ए पेपर। द स्क्रिप्ट हैज सिक्स रेज्ड डॉट टू रिप्रेजेंट ऑल द अल्फाबेट एंड नंबर्स। इस लिपि में पेपर में ये अक्षर खुदे हुए और उभरे हुए होते हैं। इस लिपि में 6 बिंदु उभरे होते हैं जो सभी वर्णमाला तथा नंबर को प्रदर्शित करते हैं। द ब्लाइंड कैन इजिली रीड एंड अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट बाय लाइटली रनिंग देयर फिंगर्स अलोंग द डॉट। विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट द ब्लाइंड प्यूपिल आर नाउ एबल टू कंप्लीट विद नॉर्मल प्यूपिल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अंधा व्यक्ति आसानी से इन बिंदुओं पर हल्के से उंगलियां चलाकर पढ़ व समझ लेता है। इस लिपि की मदद से अंधा व्यक्ति जब सामान्य व्यक्ति से जिंदगी के हर कदम पर मुकाबला कर सकता है। अनदर मेथड ऑफ एजुकेटिंग द ब्लाइंड इज बाय प्लेइंग रिकॉर्डेड मटेरियल कंटेनिंग द मैटर ऑफ ए पार्टिकुलर बुक। अ ब्लाइंड पर्सन कैन गेट नॉलेज बाय लिसनिंग टू दीज रिकॉर्ड मटेरियल। दीज ऑडियो फॉर्मेट आर कॉल्ड टॉकिंग बुक्स। अंधे व्यक्तियों को पढ़ाने का दूसरा तरीका किसी विशेष किताब की सामग्री को रिकॉर्ड करके उसे सुनाना। अंधा व्यक्ति इस रिकॉर्ड सामग्री को सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये ऑडियो फॉर्मेट बोलने वाली किताब कहलाती है। गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंक्रीज लिटरेसी, साक्षरता बढ़ाने के सरकार के प्रयास। एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड सोसाइटी एंड कंट्री एज ए होल। सिंस द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड ग्रेट एफर्ट टू एजुकेटेड इट्स सिटीजन बट स्टिल मैनी पीपल आर इलिटरेट। शिक्षा किसी बच्चे समाज वो देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज़ादी से भारत को सरकार ने भारतीयों को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या हो गए, अनपढ़ रह गए हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन इंडिया। सरकार ने साक्षरता दूर बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। चिल्ड्रन, आज हमने लेसन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।